स्वागत और अभिनंदन के इस क्रम में हमारे अग्रज और परिवार के वरिष्ठतम सदस्य प्रोफेसर श्री आर एस कोठारी साहब को आमंत्रित करती हूं कि वे पधारें और परम पूज्य स्वामी जी का स्वागत करें। इस हर्ष और उल्लास में यहाँ राजस्थान उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधिपति गण पधारे हुए हैं। मेरा निवेदन है वरिष्ठतम महेश शर्मा साहब से कि वे पूज्य स्वामी जी महाराज का अभिनंदन करें। इसी अभिनंदन के क्रम में मेरा निवेदन माननीय न्यायाधिपति सुश्री बेला त्रिवेदी से है, जो राजस्थान उच्च न्यायालय की एकमात्र महिला न्यायाधिपति हैं, जो गुजरात से आकर राजस्थान का गौरव बढ़ा रही हैं। अनुरोध करती हूं कि वे अभिनंदन करें। हमारे बीच राजस्थान उच्च न्यायालय के कई पूर्व न्यायाधीश भी पधारे हुए हैं, उनमें से मेरा निवेदन सामाजिक कार्यों में अग्रणी श्री पानाचंद जी जैन साहब से है कि वे माल्यार्पण कर अभिनंदन करें। और इसी क्रम में मेरा निवेदन न्याय जगत के भीष्म पिता में है माननीय जस्टिस श्री विनोद शंकर दवे साहब से है कि वे भी पधारें। हमारा सौभाग्य है कि स्वामी जी के साथ सीकर के लोकप्रिय सांसद स्वामी सुमेधानंद जी साहब भी पधारे हुए हैं, उनसे भी आग्रह है कि वे स्वामी जी का माल्यार्पण से अभिनंदन करें। और अब वरिष्ठतम आईएएस श्री डीबी गुप्ता साहब से मैं अनुरोध करती हूं कि वे स्वामी जी का अभिनंदन करें। पुलिस परिवार को प्रतिनिधित्व देने हेतु मेरा आमंत्रण है श्री राजीव दासोत साहब से कि आगे पधारें और अभिनंदन करें। और अब मैं आमंत्रित करती हूं परोपकारिणी सभा के मंत्री और आर्य जगत के मनीषी विद्वान श्री धर्मवीर जी को, आर्य जगत के कार्यकारी प्रधान को आमंत्रित करती हूं कि वे माल्यार्पण से अभिनंदन करें। और अब सभी उपस्थित डॉक्टर वर्ग की ओर से पद्मश्री डॉक्टर अशोक पानगढ़िया साहब भी हमारे बीच पधारे हैं और वे भी स्वामी जी का स्वागत करें। राजस्थान में ईटीवी को अपरिमित ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले श्री जगदीश चंद्रा साहब से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे अभिनंदन करें। प्रखर समाज से भी पूर्व आईएएस डीआर मेहता साहब से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे पधारें और अभिनंदन करें। आप महावीर विकलांग समिति के चेयरमैन भी हैं। इस श्रृंखला के अंतिम पादान पर मेरा निवेदन लोकायुक्त सचिवालय के प्रमुख सचिव श्री पीके जैन से है कि वे भी पधारें। ये सुखद वेला मिलन का चिर विकंपित पल हुई, पर हृदय के आगमन से आपके हलचल हुई। शब्द ध्वनिया पुष्प खुशबू रंग सब कम लग रहे, आपके स्वागत में मन की हर दशा चंचल हुई। कर रहे स्वागत हृदय अंतस्थल से आपका, आगमन पावन सुगंधित है कमल साप का। पांच पीढ़ियों से हमारा परिवार आर्य समाज के सिद्धांतों व आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करता रहा है। मेरे पिता श्री धर्म सिंह साहब कोठारी का नाम आयुर्वेद और आर्य जगत में परिचय की अपेक्षा नहीं रखता। उनके जीवन काल में कई कई बार अनेकानेक साधुओं एवं विद्वानों यथा श्री आनंद स्वामी जी, समर्पणानंद जी, स्वामी आनंद भिक्षु जी, श्री महाशय कृष्ण एवं चांद करण शारदा इत्यादि मनीषियों का आतिथ्य व सत्कार करने का सुअवसर हमें मिलता रहा था। अतः जैसे ही हम परिजनों को राष्ट्र संत स्वामी रामदेव जी के
जयपुर आगमन का संजान हुआ तो मेरे अग्रज उनके सानिध्य व आतिथ्य का लोभ संवरण नहीं कर पाए। और इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ हमारी प्रेरणा की अजस्र स्रोत श्रद्धेय सज्जन दादा से कि वे पूज्य स्वामी जी के लिए शब्दों द्वारा इस श्रृंखला को पूर्णता दें। वरिष्ठम न्यायाधीश प्रशासनिक न्यायाधीश अब मेरा अनुरोध है माननीय जस्टिस श्रीवास्तव के हिसाब से कि माल्यार्पण कर स्वामी जी का अभिनंदन करें। ऐसी क्रम में मेरा आर्य जगत के एक और मनीषी विद्वान श्री सत्यवत जी सामंत जी से निवेदन है कि आप भी पधारें और स्वामी जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। पूज्य स्वामी जी एवं सभी आप लोगों की गरिमा में उपस्थिति में मैं स्वयं को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे मानवता की सेवा में रत एक महान सन्यासी का स्व आवास पर स्वागत करने का सुअवसर मिला है। आप द्वारा किए गए परोपकार को देखकर मुझे एक त्रिष्टुप छंद स्मरण आ रहा है, परोपकाराय फलंति वृक्षय, परोपकाराय वहंती नद्यय, परोपकाराय दुहंति गावय, परोपकारार्थ मिदम शरीरम। वास्तव में आपके बहुविध अप्रतिम योगदान को देखकर मुझे इसमें किंचित भी संदेह नहीं है कि परमपिता परमेश्वर ने आपको भूमंडल के उपकारार्थी जन्म दिया है। 11.5 वर्ष पूर्व मई 2004 में जब मैं टोंक में जिला एवं सेशन न्यायाधीश था तब हरिद्वार में आयोजित आपके 10 दिवसीय शिविर में मैंने भाग लिया था। 2 और शिविर इसी वर्ष अटेंड किए और इन शिविरों में मैंने अनुभव किया स्वामी जी ने एक विरक्त संत शिरोमणि योगी की भांति संसार के कल्याणार्थ तथा यौगिक एवं आयुर्वेदिक पुनरुत्थान हेतु अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है। प्राणायाम पर सैकड़ों पुस्तकें हम में से कई ने पढ़ी होंगी, किंतु इस विषय का विश्व में क्रांति उत्पन्न कर देने वाला जो क्रियात्मक व्यवहारिक आध्यात्मिक तथा ध्यानात्मक पक्ष आपने समक्ष रखा है वह अद्भुत तथा अनुपम है। आपने अत्यंत उपयोगी योगासन तथा पूर्णतः निरोग रहने की विधियां विस्तार से बताते हुए आप वेदों उपनिषदों आयुर्वेद योग दर्शन गीता आदि ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझाते हुए जन जन को जीवन के लिए परमावश्यक योग व संस्कारों की शिक्षा दे रहे हैं। आपके चिंतन से हम निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं। अंधविश्वासों से दूर रहकर सत्कर्म तथा पुरुषार्थ कर निरंतर विश्व नियंता से जुड़े रहने का सरल मार्ग बताकर आप अपने शिविरों में सबके जीवन को सुरभित करने वाला अमूल्य उपहार दे रहे हैं। कई उपादेयतापूर्ण प्रकल्पों के साथ साथ आचार्य कुलम वैदिक गुरुकुलम आदि की स्थापना एवं इनका उत्कृष्टतम संचालन तो आदर्श संस्कारों के साथ पूरी एक नई पीढ़ी तैयार करने की अनूठी योजना है। आपकी दूरदृष्टि तथा अपार कार्य क्षमता का ही परिणाम है कि प्राचीन तथा अर्वाचीन के श्रेष्ठ को समाहित करती तथा गुरुकुल की गौरवमयी परंपरा को पुनर्जीवित करती आचार्य कुलम श्रृंखला का लाभ राजस्थान की राजधानी को भी प्राप्त होने का स्वप्न साकार होता दिख रहा है। आप द्वारा हाथ में लिए जा रहे नित्य नूतन शिव संकल्पों का यह जो सफल क्रियान्वयन हम सब देख रहे हैं वह जन जन के दुख निवारण स्वास्थ्य लाभ तथा व्यक्तित्व उत्कर्ष में परिणित हो चुका है। आप पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के साथ अहर्निश श्रेष्ठ एवं पुण्य कार्यों में संलग्न हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे व्यक्ति बिरले ही दिखाई देते हैं जिनके जीवन में सफलता तथा सार्थकता का श्रेष्ठतम समन्वय हुआ हो। तो आपके रूप में एक ऐसे आर्य संत का सानिध्य पाना जिसने परोपकार मानव सेवा तथा सार्थकता को लक्ष्य बनाया हो हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आपका योगदान जन जन की स्मृति के चित्र पटल पर एक उज्ज्वलतम प्रशस्त सेवा क्षेत्र में अग्रणी के रूप में अंकित हो चुका है, किंतु इस अभूतपूर्व योगदान विद्वत्ता तथा सेवा का अभिमान आपके सरल हृदय को स्पर्श नहीं कर सका है। मुझे शिविरों के दौरान निरंतर आपकी विनोद प्रियता वह सरलता के दर्शन हुए हैं। विद्या तदाति विनियम तथा वेद का मंत्र स्वेन कृतुना वृद्धेत यह आपके जीवन में अक्षरशः चरितार्थ है। मैं अनुभव करता हूं कि आपके सानिध्य एवं उद्बोधन से प्राप्त ज्ञान तथा प्रेरणा के फलस्वरूप हम सभी समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का अधिक कुशलता तथा उत्कृष्ट रीति से संपादन कर आप द्वारा समय समय पर उच्चारित गीता की सूक्ति योग कर्मशु कौष्टम को साकार कर सकेंगे। मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद ही मुझे निश्चित ही राजस्थान के लोकहित के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन में भी संबल प्रदान करेगा। परम सामर्थ्यवान विश्ववंद परमेश्वर से यही विनती है कि आपका यह पावन अभियान इस पृथ्वी पर हुए अब तक सभी प्रयासों में उच्चतम शिखर पर आरूढ़ हो। आप समाज राष्ट्र तथा विश्व के मार्गदर्शक बनकर
वैदिक सिद्धांतों तथा योग एवं आयुर्वेद के अद्भुत प्रकाश से समाज को आलोकित करते रहें और आप जैसे श्रेष्ठ संत के श्लाघ्य औदार्य सक्रिय ज्ञान एवं मार्गदर्शन की हम सबको सतत अनुभूति होती रहे। आप जन जन की पीड़ा का निराकरण कर समाज को बेहतर बनाने के प्रयास में संलग्न हैं। प्रभु आपके जीवन को परमानंद से लबालब रखे। आपने मेरा निवेदन स्वीकार कर हम सबको लाभान्वित करने के लिए यहाँ पधारने की अनुकंपा की, इसके लिए हृदय के अंतस्थल से कृतज्ञता ज्ञापित कर कहना चाहूंगा कि आपके इस आगमन में इंद्रधनुषी शोभा है, गौरव गरिमा महिमा के अद्भुत रंगों का संगम है। आप सभी संभ्रांतगण मेरा निवेदन स्वीकार कर यहाँ पधारे हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। मलय गंध से आप पधारे, सुरभित हो गए हृदय हमारे, हर्षित होते स्वागत करते, धन्य भाग जो आप पधारे। और अब कोठारी परिवार का सबसे प्यारा नन्ना मुन्ना दुलारा बाल सुमन, हमारा सुपौत्र आदित्य कोठारी हृदय का उल्लास अभिव्यक्त करने को आतुर है। स्वामी जी के सम्मान में आए और अपने खिले खिले उत्साह को अभिव्यक्ति दे। प्राणायाम और योग का संदेश जिन्होंने पूरे विश्व में फैलाया, जिनके हृदय में हम बच्चों के प्रति प्रेम का सागर लहराता है, ऐसे पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में मैं अपना सादर प्रणाम समर्पित करता हूँ तथा यहाँ उपस्थित सभी पितामह तुल्य गुरुजनों को आदर सहित नमन करता हूँ। यह मेरे बचपन का सौभाग्य है कि मुझे आज आपके समक्ष वैदिक संस्कृति के मूल संदेश प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। तो आइए वेद मंत्र सुनिए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरिता परासु यद्भद्रं तन्नासु। उपनिषद का संदेश सुनिए। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगाद्यतः शुद्ध सत्त्व ते ब्रह्मलोकेषु पुरांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। गीता का संदेश सुनिए। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुनः। मनुस्मृति सुनिए। अर्थ कामेश शब्दानां धर्म ज्ञानं विधीयते धर्मं जिज्ञा समानानां प्रमाणं परमं श्रुति। हम बच्चों का संकल्प है। ओम ध्वजा को लेकर कर में भर दे वेद ज्ञान घर घर में, सुख शांति फैले जग भर में, मिटे अविद्या की अंधियारी, जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी, जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी। धन्यवाद। जब भी कोई सौभाग्यशाली जननी दिव्य गुणों से युक्त संतान को जन्म देती है तो वो निहाल उठती है और माता वसुंधरा भी उस संतति को धरती के पुत्र में स्वीकार कर अपनी भौतिक आध्यात्मिक और नैसर्गिक शक्तियाँ उस पर न्योछावर कर देती है। तो योग को विश्व मंच पर लाने वाले और नई पहचान दिलाने वाले उत्कृष्ट तपस्वी को मैं श्रद्धापूर्वक आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने अमृत बिंदुओं से आस्वादित कर अपने आशीर्वचनों से हमें नवाजें। माननीय स्वामी जी, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज आप मुझे एक संत के रूप में जो गौरव देते हैं, यह हमारी परंपरा, यह हमारी संस्कृति और यह हमारी भारतीय चेतना के अंदर एक बहुत गहरा संस्कार। लेकिन उसी तरह से मैं भी आप सबके भीतर भगवान ही के मूर्त रूप को, प्रत्यक्ष रूप को, उसके सगुण साकार रूप को अनुभव करता। कुछ मूलभूत बातें जो मैंने अनुभव की कहने की कोशिश करता हूँ। लोग मुझे योगी की रूप में मानते हैं, स्वीकार करते हैं। मैंने 9 वर्ष की उम्र से बचपन में योग का अभ्यास शुरू किया। मेरा शरीर बहुत बेडोल सा था, पेट बाहर निकला हुआ, खड़े हों तो दोनों घुटने मिले, लेफ्ट साइड पैरालिसिस, और शरीर जो है अक्षम सा था। योगा अभ्यास करके स्वयं को संबल प्रदान किया।
और अपने आप को आत्मगौरव से भरा। 9 साल की उम्र से ही मैंने महर्षि दयानंद को पढ़ना शुरू किया और करीब 12-13 वर्ष की उम्र तक सत्यार्थ प्रकाश शायद मैंने 2 बार पढ़ा था। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका भी लगभग 2 बार पढ़ी। छोटी छोटी उनकी पुस्तकें व्यवहार भानो सव मंतव्य मंतव्य प्रकाश और उद्देश्य रत्नमाला और संस्कार विधि गोकर्णानिधि जैसी लगभग लगभग महर्षि दयानंद का आत्मचरित्र से लेकर के जो उन्होंने पूना के प्रवचनों में कहा था। वेद भाष्य को छोड़कर के महर्षि दयानंद के सारे साहित्य को मैंने पढ़ा। मन में एक प्रेरणा जगी कि मुझे महापुरुषों का अनुचर बनना है। एक स्वाभाविक रूप से एक मन में प्रेरणा होती थी, मैं महापुरुषों के चित्र देखता था तो इनके भी हमारे जैसा एक मस्तिष्क का ही 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, तो जब ये इतने महान हो सकते हैं तो उनके मार्ग पर हम भी आगे क्यों ना बढ़े। और मैं हमेशा कहता भी हूँ अब इस बात को कि भगवान ने हमको गरीब घर में पैदा किया या अमीर घर में, किसी भी जाति वर्ग में हमें पैदा किया, ये भगवान का विधान है। इसमें हम बेबस हैं, हमारी इसमें स्वयं की स्वाधीनता नहीं है, ईश्वर की पराधीनता ही है, ईश्वर का विधान हम इसको कहते हैं। लेकिन भगवान ने हमें इंसान के रूप में पैदा करके दुनिया की मानो सारी दौलत दे दी, क्योंकि भगवान ने हमें इंसान बना दिया, बाकी तो हम दुनिया में अपने पुरुषार्थ के द्वारा सब कुछ बन सकते हैं या कुछ भी बन सकते हैं। और इसी सिद्धांत पर चलता रहा। पहले मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा और गवर्नमेंट स्कूलों की हालत क्या होती थी, अभी भी कोई बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं है, वो आप सबको पता है। शीशम के पेड़ के नीचे हम लोग बैठ के पढ़ा करते थे। क्लासरूम में तो शायद कभी एक आधी बार ही जाया करते थे, क्योंकि क्लासरूम बड़े विचित्र हुआ करते थे। सर्दियों में उनमें सर्दी लगती थी, बरसात में उनमें पानी टपकता रहता था, दिन में उनमें चमगादड़ रहा करते थे, रात को कुत्ते बिल्ली सो जाया करते थे। ऐसे जर्जरित स्कूलों में हम लोग पढ़े। अभी बहुत तरह के वॉल स्ट्रीट जर्नल से लेकर के वाशिंगटन टाइम्स से लेकर के और तमाम फोर्ब्स से लेकर के और भारत के देश विदेश के तमाम पत्र पत्रिकाओं के पत्रकार आते हैं, मेरे से बोलते बाबा जी योग वाला ऐसा हुआ, बाकी पीछे बहुत से जो कार्य हुए उन सब के बारे में आप कहते हैं। अभी जो अभी स्वदेशी का काम इतना बड़ा हाथ में लिया है, आप पढ़े कहाँ? भाई हम IIM के तो पढ़े हुए हैं नहीं, हम IIT के भी पढ़े हुए नहीं हैं, हम ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड कैम्ब्रिज के भी पढ़े हुए नहीं। बोला आपका ये मैनेजमेंट कहाँ से सीखा आपने सब? हम लोगों ने बहुत, आपका भी हरिद्वार आपको अवसर मिले तो आना, करीब 1000 एकड़ ज़मीन में हमने दुनिया का सबसे बड़ा योग का, आयुर्वेद का और वैदिक परंपरा का केंद्र बनाया, जिसमें अब पता नहीं 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच में होगा, 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ वर्ग फीट से ज़्यादा का कंस्ट्रक्शन होगा। वो पूरा पूरा मैंने भी कैलकुलेशन, अब हमने गिनती बंदी कर रखी है, करते जाओ गिनते रहेंगे पीछे आने वाले लोग। हमने कोई अब आज तक जितने भी निर्माण अधिकारी होते तो मैं तो कहीं जा कर के एक बार उद्घाटन पर चले गए, बाकी अपने काम कर रहे हैं। और आगे जो हमने विस्तार की योजना बनाई है उसमें हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 50 वर्षों में हम कम से कम 5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा और संस्कार दे करके आने वाले भारत के लिए तैयार करके जाएं, जो आने वाले भविष्य की आधारशिला तैयार करें। क्योंकि हम जब तक आने वाले 50 से लेकर के 500 वर्षों के बारे में नहीं सोचेंगे तो अपना देश आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा सोचने का सामर्थ्य बहुत थोड़े लोगों में होता है जो आने वाले 50 वर्षों के बारे में 500 वर्षों के बारे में सोच सके। हम अपने कल के बारे में सोचते रहते हैं। हमने ये स्वदेशी का कार्य भी इसलिए लिया हाथ में, मैं देश के लगभग लगभग सभी शीर्ष कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों से मिला। शायद कोई इस समय भारतीय राजनीति के शीर्ष पटल पर है और उससे मैं ना मिला हूँ, और घंटों घंटों तक अलग अलग संदर्भों में उनसे संवाद ना हुआ, ऐसा नहीं। आदरे मोदी जी से लेकर के मनमोहन सिंह जी से लेकर के राहुल गांधी जी से लेकर के तमाम मुख्यमंत्रियों से लेकर के कम पॉलिटिकल सेक्टर की मैं बात करूँ तो 100 से ज़्यादा बड़े लोगों से मैं मिला।
और उसके संदर्भ में तो मैं अधिक कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि एक चरण का मेरा कार्य पूरा हुआ, दूसरे चरण में हम आगे बढ़े। वो दूसरा चरण अब देश उसको तय करेगा कि वो कितने सफल है, यहाँ कहाँ तक वो उस कामयाब हो पाए। आर्थिक क्षेत्र में मैंने देखा, माना कि हमारा आंतरिक जीवन तो धर्म पर केंद्रित है, लेकिन जगत की सारी व्यवस्थाओं के केंद्र में अर्थ है। आचार्य चाणक्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। सुख का मूल तो धर्म है। धर्म माने हमारे जीवन की नैतिकता, हमारे जीवन की पावनता, हमारे जीवन की शुचिता। क्योंकि हमसे जीवन में कुछ भी अशुभ होता है, जगत चाहे देखे या ना देखे, हमारी आत्मा तो सब कुछ जानती है। और जब भी हम अकेले में होते हैं, यदि हमने कुछ भी गलत किया है, तो हमारी आत्मा हमको नोचती रहती है, कोसती रहती है, धिक्कारती रहती है। हम एक क्षण भी चैन से नहीं बैठ सकते यदि हमने कुछ भी गलत किया है तो। पीछा हमारा पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए हमारे ग्रंथों में कहा सबसे बड़े तीर दुख अतीत का शोक, वर्तमान का आकर्षण आसक्ति, और भविष्य का भय। मैंने सुना है लोग एकांत में नहीं बैठना चाहते, क्योंकि एकांत में बैठते ही उनकी पिछली फिल्म चालू हो जाती है। एकांत का सामना वही व्यक्ति कर सकता है जिसका अतीत निर्दोष रहा, और वर्तमान में एकांत में वो व्यक्ति बैठ सकता है जिसका किसी से अविवेकपूर्ण आकर्षण ना। मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अविवेकपूर्ण आकर्षण, अविवेकपूर्ण इच्छाएं, अविवेकपूर्ण आसक्तियां, अविवेकपूर्ण कामनाएं, ये हमें बहुत दुख देती है। यदि अविवेकपूर्ण कामनाएं तो दुख खत्म हो गया, और भविष्य कब है? कोई शनि से, कोई राहु से, कोई केतु से। अभी बात हो रही थी आर्य समाज की। महर्षि दयानंद का इस समाज पर सबसे बड़ा उपकार है, उन्होंने हमें विज्ञान की आंखों से धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को देखने का सामर्थ्य दिया। नहीं तो मैंने देखा बहुत से लोग अब सीनियर आईएएस ऑफिसर है, बहुत सीनियर जज है, लेकिन वो भी इन तांत्रिकों के चक्र में पड़ जाते, ढोंगे पाखंडियों के चक्र में पड़ जाते। फिर मेरे से लोग आके बोलते, बाबा जी आप तो बोलते हो ये तंत्र मंत्र षड्यंत्र जो चल रहा है बहुत बेकार, इतना बड़ा जज आया था वो ऐसे ही, ये पाखंडी होता तो इसके पास थोड़ी ना आता। जज तो हो गया लेकिन उसके भीतर एक वायरस घुसा हुआ है शनि की तुराहों का, कि अब मुझे सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनना है या चीफ जस्टिस बनना है तो कौन सा पत्थर पहनो। अरे पत्थरों से किस्मत नहीं बदलती, पुरुषार्थ से बदलती। लेकिन फिर भी कोई ना कोई, अच्छा देखो कोई किसी की पत्नी ने पहनाया हो तो कोई बात नहीं, हम तो बाबा लोग हैं इसलिए फ्री है एकदम। किसी किसी का वो जो है संबंधों के तौर पर कोई अंगूठी उंगूठी पहनी हो तो अलग बात, बाकी ये स्टोन पहनो, ये स्टोन पहनो, ये स्टोन पहनो, हमने कोई स्टोन नहीं पहना, हमने कोई मूर्त नहीं देखा। अरे सूरज भगवान ने बनाया, धरती भगवान ने बनाई, चांद भगवान ने बनाया, ब्रह्मांड भगवान ने बनाया। सूर्य और पृथ्वी की गति से दिन तय होते हैं। जब सूर्य और जो है धरती भगवान ने बनाई तो उनके द्वारा बनने वाला समय कैसे अशुभ हो सकता है? इसलिए मैंने एक दिन भी कभी विश्राम नहीं किया, 365 दिन काम किया, छुट्टी की हमने छुट्टी कर रखी। लोग मुहूर्त देखते रहते, आज शुभ घड़ी कौन सी है, शुभ मुहूर्त कौन सा है। अपने मन में जब प्रसन्नता है तभी हमारा शुभ है, और अपने मन में अप्रसन्नता आने मत दो तो 24 घंटे हमारे शुभ है। बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या करें? अरे बिल्ली रास्ता काट गई तो उसको पहले जाने, तो तुम बाद में चले जाओ। अब ये अब बताओ, इस अपशकुन हो गया, अरे भाई एक बिल्ली आ गई ना सामने, कोई शेर आ गया था क्या? छींक आ गई तो क्या करें? अरे छींक आ गई तो कपाल भाती, अनुलोम विलोम कर। अब इसमें छींक आ गई तो क्या करें? अब इस अच्छी छींक आ गई जी, अब अपशकुन हो गया, अब अपशकुन नहीं हो गया, तेरा साइनस बढ़ गया है, थोड़ा प्राणायाम कर ले, गिलोय घनवट्टी खा ले, गिलोय का काढ़ा बना के पी ले, इम्यून पावर थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड पाउडर करेंगे, एक चम्मच रात को दूध से ले ले, साइनस एकदम ठीक हो जाएगा। यह सूरज मैदान की बात है, हो गया होंगे कितने साल, 12-13 साल हो गए, तो 13 साल के करीब हो गए। तो एक बहन आई, बोल बाबा जी ये काली मिर्च बादाम और खांड वाला प्रयोग तो इतना जबरदस्त है, मेरा सिर
वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तो अभी भी मेरा सिर पिलपिला हो गया था ऐसे, यहाँ ऐसी बात रहा होता है सिर पिलपिला, जैसे छोटे बच्चों का यहाँ का बाल थोड़ा कोमल होता है ना ऐसे। तो बोले बाबा जी ये मैंने प्रयोग किया, मेरा तो ठीक हो गया। लोग बिना मतलब की जो है उसमें पड़े हुए हैं, भ्रांतियों से बाहर निकले हैं। और भगवान के नाम पर कितनी दुकानदारी, भगवान के नाम पर कितनी भ्रांतियां, भगवान के स्वरूप को लेकर के